वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का चटपटा नाश्ता, जो कि बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, जो बेसन में मिक्स करके बनाया जाता है, बेसन के पैटर में, और बहुत खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आपसे वो शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक करिएगा ज़रूर। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे एक लाइक तो कर ही देखना, आप लाइक करना भूल जाते हो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करा करें। और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ उसका फल हमें दे दीजिए। और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है कि हमें लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है हमारे वीडियो पर। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर भी गई हूँ। और फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी रेसिपी कि आलू के बड़े कैसे बनाए जाते हैं और वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं बनाऊंगी उसे चाय के साथ, और यू भी कर रहा है हाय, हाय कर दो हाय। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ले लिया है 1 पॉइल बेसन, 1 कटोरी बेसन ले लिया है मैंने, और उसमें मिला ली है मैंने 2 स्पून 2 चम्मच सूजी, जो कि अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे, और अच्छी फूल जाती है, अच्छी लगती है पकोड़े में, करारे, मतलब उसे ऐड करने से करारे हो जाते हैं। और यहाँ मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं, नमक मिर्च, धनिया, चुटकी भर हल्दी, ये सब ऐड करके मैं इसको मिक्स करके मिलाकर रख दूँगी 1 घंटे के लिए फ्रेंड्स। और यहाँ मेरे बॉयल हो रहे हैं आलू कुकर में, और ये ले लिए हैं ब्रेड मैंने, और इनको फ्रेंड्स मैं कट कर लूँगी, इनका जो चारों तरफ का हिस्सा होता है कट कर लूँगी। और ये हैं आलू, धनिया, 1 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च हैं ये, इनको मैंने साइड में रख लिया है। पहले मैं ब्रेड को कट कर लूँगी, इसके जो किनारी है इनको कट करके एक साइड में रख दूँगी, और क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं। और इनको अच्छे से मुझे मिक्स करके ब्रेड को, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाऊँगी। और आप भी अपने घर में बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अच्छे बनते हैं खाने में, अच्छे लगते हैं खाने में फ्रेंड्स। और थोड़ा सा भी मेरा फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, और मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर करा करें फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें। और ये देखिए, मैंने सारे ये कट कर लिए हैं ब्रेड, और आप जो बोलोगे फ्रेंड्स हम वैसी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। और इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स, अच्छे से इनको मिक्स करना है मुझे, और इनमें भी मुझे वेस्ट मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि नमक है, मिर्च और धनिया पाउडर है, और हींग, और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला, मिक्स चाट मसाला, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उन्हें मतलब मिक्स करके बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनके साथ आप चाहें धनिया की चटनी बनाएं, या पुदीने की बनाएं, और या फिर टमाटो सॉस ले सकते हैं आप, और बहुत ही यम्मी लगते हैं चाय के साथ खाने में भी। और मैं ये चाय के साथ और टमाटो सॉस के साथ ले लूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम था तो मैं चटनी नहीं बना पाई थी धनिया की, तो मैंने सिर्फ़ चाय के साथ ही ये बनाकर खाए थे। और फ्रेंड्स चाय के साथ ही ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं ये, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। और ये देखिए, मैंने मिर्च भी मिला ली है इसमें,
और फ्रेंड्स आप प्लीज़ थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और आपके ही बदौलत से अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप थोड़ी सा सपोर्ट और करें फ्रेंड्स, हम आगे तक पहुँच जाएं, और प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें फ्रेंड्स, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये है, ये धनिया ले लिया है मैंने, इसको क्रश करके मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और अब ये मेरी पिट्ठी सी एक तरह की तैयार हो चुकी है अच्छे से मिक्स करके। और फ्रेंड्स आपको आगे का प्रोसेस ये होगा कि मैं इसको पिट्ठी के एक तरह से लड्डू बनाऊंगी, लड्डुओं को बेसन के पैटर्न में मिक्स करके उन्हें फिर उनके पकोड़े टाइप में सेकूंगी। उनको वो खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगते हैं, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, ये बनने के लिए तैयार हो चुका है, और कढ़ाई में कर लिया है मैंने ऑयल ऐड, मस्टर्ड ऑयल, और मैं इनको बैटर में मिक्स करके ऐड करूँगी इसमें, और बहुत ही अच्छे लगेंगे सिकने के बाद। आप देखते रहिए प्लीज़। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे सिकने के बाद। इनको आप बटाटा बड़ा बोल दीजिए, बड़ा पकौड़ा बोल दीजिए, आलू का पकौड़ा बोल दीजिए, या फिर बेसन का पकौड़ा बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और ये धनिए की पुदीने की चटनी के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई थी, और मैंने चाय के साथ ही सर्व करे थे ये, और बहुत अच्छे लगे थे उसी के साथ खाने में। और मैंने ये दो बार मैं सारे सेक लिए थे, और सारा पैटर्न भी ख़त्म हो चुका था मेरा, दो बार में ही ख़त्म हो गया थे
ख़त्म कर दिए थे मैंने ये, और बहुत ही अच्छे लगे थे ये फ्रेंड्स सीखने के बाद। और खाने में गरम गरम बहुत, और जल्दी से ठंडे भी नहीं होते हैं ये अंदर से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखने में भी और खाने में भी। तो आप भी खाने आ जाइए फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरी प्लेट लग चुकी है और मैं जा रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता लेके। तो आप भी खा लीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स ये, और आप भी अपने घर में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर करना, और मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।